हेलो माय फूडीज़, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज मेरा नवरात्रि का फास्ट है, सो मैं आज नवरात्रि का ही खाना खा रही हूँ। नवरात्रि में हम लोग ये बनाते हैं साबूदाना वड़ा, ये आपने सुना भी होगा और बहुत टेस्टी लगता है, क्रिस्पी होता है काफ़ी और बहुत यमी लगता है। एंड ये आलू की पकौड़ी कुट्टू वाली, और इसे वेजेस भी बोल सकते हो आप। एंड ये दही है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जब आप कुटू खाते हो ना, उसके साथ दही बहुत ज़रूरी है। और साथ में है ये चौलाई के लड्डू, और साथ में ये बहुत स्पाइसी चटनी है। सो मैं खाना स्टार्ट करती हूँ और आप मेरी वीडियो एंजॉय करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी स्पाइसी है चटनी। वेरी यमी, बहुत यमी है। सी, बहुत यमी है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर फास्ट में भी ट्राई करिएगा। बेसन मैदे की जगह आप इसमें कुट्टू का आटा या फिर सिंघाड़े का आटा मिलाइएगा। तो सॉफ्ट है। Really delicious. See? चटनी एकदम स्पाइसी खट्टी है, मज़ेदार चाट वाली होती है ना। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं फास्ट में ये खाना खाने के लिए व्रत रखती थी। फनी मेमोरीज बट ब्यूटीफुल मेमोरीज।
आपने ट्राई किया है कभी ये वड़ा, साबुदाना वड़ा? अमेजिंग। कमेंट में बताना कि आपने कभी ये फूड ट्राई किया है, और ट्राई किया तो आपको पसंद आया या नहीं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सिंपल है, आप बना के खुद भी खाओ और अपनी फैमिली मेंबर्स को भी खिलाइए। इसमें स्पाइसी ग्रीन चिली, आपके यहाँ पर क्या फूड बनता है? कोई स्पेशल रेसिपी कमेंट करके बताना हो। गाइस वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी फैमिली में शामिल हो जाइए आप भी। चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। बहुत ठीक है बट यम्मी है।
स्पाइसी। चौलाई का लड्डू, बहुत सेम ही है। रियली अमेजिंग, यम्मी, डिलीशियस, बहुत अच्छा है। ज़्यादा क्रिस्पी है ये, बट यम्मी है बहुत। अमेजिंग फूड, मैं खा चुकी हूँ और ये जो बच गया है ये मैं बाद में खा लूँगी, बट बहुत डिलीशियस था। आप भी ट्राई करना ये रेसिपी, आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। और वीडियो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फूड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।